भारत के 8 पूर्व नौसैनिक संकट में हैं। कतर की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन लोगों पर इजराइल की तरफ से कतर के खिलाफ जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कतर ने कुछ भी नहीं बताया है। भारत कानूनी विकल्प तलाश रहा है कि अपने लोगों की जान कैसे बचाई जाए। ये लोग कतर की सेना से जुड़ी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतर की डिफेंस एजेंसियों को प्रशिक्षण और दूसरी सेवाएं प्रदान करती हैं। इन पूर्व नेवी अफसरों ने नौसेना में यानी कि भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा की और तैनाती के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे उसके मालिक रॉयल ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था लेकिन नवंबर 2022 में छोड़ दिया गया। सूत्रों के हवाले से रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि मौत की सजा पाए कुछ भारतीय एक बेहद संवेदनशील प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो इटली की टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टील्थ विशेषताओं वाली पनडुब्बी से जुड़ा था। मौत की सजा पाए कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। ये प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। तब दोहा के भारतीय दूतावास ने कहा था कि कमांडर तिवारी को यह सम्मान विदेश में भारत की छवि बढ़ाने के लिए दिया गया है। वो अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के MD थे। जब वो भारतीय नौसेना में थे तो उन्होंने कई युद्धपोतों की कमान संभाली थी। वहीं 54 साल के कमांडर पकाला का परिवार विशाखापट्टनम में रहता है। उनका 18 दिसंबर को जन्मदिन है। परिवार अब भी उम्मीद लगाए है कि सरकार के हस्तक्षेप पर वो जन्मदिन से पहले घर लौट आएंगे। जब से खबर आई है उनके घर पर लोगों के आने का सिलसिला थमा नहीं है। वो 18 साल की उम्र में नौसेना में शामिल हुए थे। 2013 में नौसेना से रिटायर हुए। बचपन के दोस्त कह रहे हैं कि पकाला सज्जन व्यक्ति है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। वहीं पूर्व नौसैनिकों की सजा पर विपक्ष भी अब हमलावर हो गया है और लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।